मूवी की शुरुआत में एक लीजा नाम की लड़की को हम सड़क पर लेटे हुए देखते हैं, जो कि एक कार के आने पर उठकर खड़ी हो जाती है। तभी उस कार में बैठा शख्स उसे लिफ्ट ऑफर करता है, जिसको लीजा मना कर देती है। इस पर फिर वो शख्स उसे बताता है कि यहाँ से सबसे नजदीकी टाउन भी कम से कम 6 से 7 मील दूर है, जो तुम्हें सीधा जाने पर ही मिलेगा। वैसा कहकर जाने लगता है, जिस पर लीजा उसे रोकती और कार में बैठ जाती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं, जहां उस आदमी का नाम एडम था। और अब हम देख पाते हैं कि उसके हाथ पर क्रॉस का टैटू बना हुआ है। एडम लीजा से उसके बारे में पूछता है कि वो क्या करती है, जिस पर लीजा बताती है कि वो एक वेट्रेस है। और तब एडम और भी सवाल पूछने लगता है, जिससे इरिटेट होकर लीजा कहती है, क्या तुम पुलिस वाले हो जो मुझसे इतने सवाल कर रहे हो? जिससे एडम चुप हो जाता है और अपने बचपन की बातें करने लगता है। उसका बचपन काफी खराब बीता होता है और लीजा भी बोलती है कि उसका भी बचपन कुछ वैसा ही था। इसके बाद रेडियो चलता है, जिसमें किसी खूनी के बारे में बताया जा रहा था। रेडियो जॉकी बताता है कि खूनी गोरा है, उसके बाल छोटे हैं और दाएं हाथ में क्रॉस का टैटू बना हुआ है। इसे सुनकर लीजा समझ जाती है कि एडम ही वो खूनी है। बस एडम सडनली ब्रेक लगाता है और लीजा का सिर कार से टकराता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। सीन स्विच होता है, लीजा को होश आता है और वो खुद को एक छोटे से कमरे में बंधा पाती है, जहां अजीब सी लाइट लगी हुई थी। साथ ही उसके कपड़े भी बदल दिए गए और उसके हाथ में ब्रेसलेट जैसी चीज थी जिसमें लाइट जल रही थी। वो उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि वो कमरा ही इतना छोटा था कि उसमें खड़े होने की भी जगह नहीं थी। तब वो मदद के लिए काफी आवाज लगाती है, पर अब उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। फिर वो ब्रेसलेट को खोलने के लिए दीवार पर रगड़ती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। कुछ देर में जब वो थक जाती है, तब एक छोटा सा रास्ता खुलता है जिसमें से रेंग कर ही कोई जा सकता था, तो लीजा भी उसमें चली जाती है और उसके अंदर से वो रेंग करके बाहर निकलने लगती है। लेकिन तभी पीछे का रास्ता बंद हो जाता है, जिसके बाद अब उसके पास आगे बढ़ने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। वो टनल में आगे बढ़ने लगती है और उसे कुछ रोशनी दिखाई देती है, जिसे लगता है कि यही बाहर जाने का रास्ता है। और अचानक से लीजा के सामने की दीवार सिकुड़ने लगती है, जिससे बड़ी मुश्किल से वो पार करती है और आगे बढ़ने पर जिसे वो अब तक रोशनी समझ रही थी, वो कोई रोशनी नहीं बल्कि एक और रास्ता था, जिसमें लाल पीली और नीली लाइट चल रही थी। तो लीजा उस रास्ते से आगे बढ़ती है कि तभी अचानक से नीचे की सतह ऊपर उठने लगती है, जो देख करके वो तेजी से रेंगते हुए आगे बढ़ती है, वरना उसकी इसमें चटनी बन जाती। और इससे पहले कि वो ऊपर की दीवार में दबकर मारी जाती, लीजा उस रास्ते को भी पार कर लेती है। इसके बाद वो फिर एक छोटे से टनल में पहुंचती है, तभी उसके हाथ में लगे ब्रेसलेट में 5 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो जाता है, जो देख करके वो आगे बढ़ रही होती है। अब आगे जाने पर उसे एक लाश मिलती है, जो कि सड़ चुकी थी और उसके हाथ में भी वैसे ही एक ब्रेसलेट थी। कोई और ऑप्शन ना होता देख लीजा उसे साइड करके आगे बढ़ने लगती है, लेकिन सामने का रास्ता भी बंद था। अब उसके पास सिर्फ 1 ही मिनट का वक्त बचा था। अब इससे पहले कि समय कंप्लीट होता, लीजा के पीछे की एक दीवार साइड हो जाती है, जो कि एक सेफ कंपार्टमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें तेजी से लीजा चली जाती है। टाइम कंप्लीट होता और पूरी टनल आग से भर जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जब वो आग बुझती है, तो वही सेफ कंपार्टमेंट वाली दीवार वापस से आगे बढ़ने लगती है, लेकिन अब टनल के ऊपर की दीवार नीचे आ जाती है, जिससे लीजा काफी पैनिक करने लगती है, क्योंकि ये रास्ता अब और भी ज्यादा छोटा हो चुका था। लेकिन फिर भी लीजा हिम्मत के साथ आगे बढ़ती है। वो धीरे धीरे रेंग करके आगे पानी के पास तक पहुंचती है और थोड़ा पानी पीती है। फिर उसे पानी में तैरते हुए आगे बढ़ना होता है। इसके बाद उसके सामने एक रास्ता खुलता है, जिसमें से वो एक बड़े रूम में पहुंच जाती है, और तभी उस कमरे में भी पानी भरने लगता है, जिसकी वजह से एक लाश उसी पानी के साथ बहकर उस कमरे में आ जाती है। लीजा तैरते हुए दूसरी टनल तक पहुंचती है, यहाँ उसे हरे रंग का लिक्विड दिखता है, तो वो अपने कपड़े से एक टुकड़ा फाड़ कर उसी लिक्विड में डाल देती है, जिससे वो तुरंत ही गल जाता है। इससे वो समझ जाती है कि ये एक एसिड है, इसलिए वो उस तेजाब को डॉज करते हुए साइड की छोटी सी जगहों पर पैर रख करके किसी तरह पार करती है। लेकिन इस बीच उसका पैर इस तेजाब को गलती से छू देता है, जिसके कारण लीजा चीख पड़ती है। कुछ ही देर में उसे किसी और की भी आवाज सुनाई देती है, जो कि मदद के लिए पुकार रहा था, इसलिए लीजा आवाज की दिशा में ही बढ़ने लगती है, जहां उसे एक छेद नजर आता है, जिससे होकर वो नीचे बनी एक और टनल में पहुंच जाती है। इसका आगे का रास्ता बंद था, पर उसके ठीक सामने एक आदमी होता है, जो शायद बहुत दिन से वहीं फंसा हुआ था। अब लीजा उसे पूछती है कि उसकी तरफ क्या है, तो वो बताता है कि उसकी ओर सिर्फ टनल है। लीजा पूछती है, क्या तुम्हें कुछ याद है? तो वो बोलता है कि वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। अब इससे पहले लीजा पूछती है कि मुझे कौन मार डालेगा, वो आदमी कोई भी जवाब नहीं देता। और उन दोनों के हाथ में लगे ब्रेसलेट में 1 मिनट का उल्टा काउंटडाउन शुरू हो जाता है। इसी के साथ उस टनल की दीवार से वो हॉट मेटल पाइप्स निकलती हैं, जो काउंटडाउन पूरा होते ही इस टनल को आग से भर देती। पर तभी लीजा और उस आदमी के बीच मौजूद दीवार पीछे हटकर एक सेफ कंपार्टमेंट में बदल जाती है, और इसके साथ साथ उन दोनों का रास्ता भी खुल जाता है। अब वो दोनों ही चैम्बर में जाने के लिए लड़ पड़ते हैं, जिसमें लीजा उस आदमी पर भारी पड़ती है, और फिर देखते ही देखते वो चैम्बर बंद हो जाता है। उस आदमी ने अपना हाथ चैम्बर के अंदर डाला होता है, जिस कारण उसका हाथ कट कर अलग हो जाता है, और लीजा देखती है कि उस हाथ में क्रॉस का टैटू बना हुआ था, मतलब कि वो एडम ही था।
बस तभी पूरी टनल आग से भर जाती है और एडम जलकर मारा जाता है, जो देखकर लीजा बेहोश हो जाती है। अब कुछ देर बाद उसे होश आता है और वो देखती है कि एक अजीब सी खोपड़ी उस कंपार्टमेंट में आकर लीजा के पैर का इलाज करती है और लीजा उसे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर खोपड़ी के मुंह से पाइप निकलकर लीजा के सूट से कनेक्ट होता है और फिर एक तेज रोशनी निकलती है जिससे लीजा को सब कुछ याद आने लगता है कि उस दिन एडम ने उसके ऊपर चाकू से कई वार किए थे, जिसके बाद वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन बेहोश होने से पहले उसे आसमान में एक अजीब सी लाइट देखी थी और इससे हम समझ जाते हैं कि लीजा एडम को एलियंस अपने साथ ले गए और एलियंस ही उन दोनों का टेस्ट ले रहे हैं, जिसमें एडम अब मारा जा चुका है। साथ ही बाकी लाश देखकर हम ये भी समझ सकते हैं कि एलियंस ने और भी लोगों को इस टेस्ट का हिस्सा बनाया था। बस ये जाने के बाद लीजा उस सेफ कंपार्टमेंट से बाहर आती है और उसे एडम का कटा हुआ हाथ दिखता है, जिसमें ब्रेसलेट के नीचे तीन निशान बने हुए थे जो डायमंड, क्रॉस और डायमंड थे। लीजा इसे देखकर कुछ समझ पाती कि तभी एक रोटेटिंग ब्लेड जल्दी से उसकी तरफ बढ़ने लगती है। लीजा उस कटे हुए हाथ को छोड़कर बैकवर्ड ही रेंगने लगती है और ठीक समय पर एक होल के जरिए ऊपर वाली टनल में पहुंच जाती है। लेकिन तभी एक नई मुसीबत आ जाती है और उसके पीछे कोई अजीब सा क्रीचर रेंगते हुए आता है। अब लीजा एक छोटे से रास्ते से होते हुए दाईं तरफ वाली टनल में आ जाती है, जहां वो क्रिएचर नहीं पहुंच सकता था, जिस वजह से वो वापस चला जाता है। वहीं लीजा के ब्रेसलेट में अब 6 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। इस टनल से आगे बढ़ते हुए उसे एक छोटा कमरा मिलता है जहां उसे 2 टनल दिखते हैं, तो वो उसमें से 1 टनल में चली जाती है, जहां जाते ही उसे अपनी बेटी नीना की आवाज़ भी सुनाई देती है। और जब वो उस तरफ से बाहर आती है तो वो अपनी आसपास कांच की दीवार देखती है, जिसमें लीजा की बचपन से लेकर अभी तक की सारी वीडियोस चल रही थी। वो ये भी देखती है कि किस तरह उसकी बेटी खिड़की से नीचे गिरकर मारी गई, जो देखकर लीजा बहुत दुखी होती है। वहीं हम अगेन नोटिस करते हैं कि वो क्रिएचर कांच के ऊपर था, इसलिए लीजा अपने सामने मौजूद टनल में तेजी से घुसने लगती है। लेकिन क्रिएचर किसी तरह लीजा की पैर पकड़ लेता है। लीजा भी अपना पैर छुड़ाकर उससे आगे बढ़ती है, जहां वो देखती है कि सामने की तरफ खुला आसमान है, यानी कि वो इस टनल को पार करके बाहर निकल सकती है। लेकिन उसके रास्ते में कुछ नुकीली वायर्स लगी हुई थी, जिन्हें क्रॉस करने के टाइम उसके शरीर में कई घाव हो जाते हैं। इतना कम नहीं था कि फिर से उल्टा काउंटडाउन चलने लगता है, विच मींस कि अब टनल एक बार फिर आग से भर जाएगी। पीछे मौजूद वो क्रिएचर सेफ कंपार्टमेंट में चला जाता है, लेकिन लीजा हार नहीं मानती। लीजा वक्त रहते वायर वाले टनल से बाहर निकल आती है और काउंटर के खत्म होते ही टनल आग की लपटों से एक बार फिर भर जाता है। और तभी लीजा की नीचे की स्पेस खुलती है, जिसमें गिरकर वो आग से बच जाती है और सीन यहीं कट हो जाता है। अब अगेन हम लीजा को उसी कमरे में देखते हैं जहां से इन सब की शुरुआत हुई थी, जिसका मतलब कि उसकी सारी मेहनत बेकार गई। लेकिन वो हौसला नहीं हारती और कैलकुलेट करती है कि इस कमरे से निकलने के बाद उसे कितनी बार लेफ्ट और राइट टर्न लेना है, जिसे याद करने के लिए वो दीवार पर लेफ्ट राइट के निशान अपने खून से बनाने लगती है। अब एक बार फिर उसके पास वही खोपड़ी आती है और वो लीजा के जख्मों को ठीक करने लगती है। लीजा परेशान होकर कहती है कि यार मुझे ख़त्म ही कर दो, मुझे मार डालो, जिसके बाद उस खोपड़ी के मुंह से किसी इंजेक्शन की पाइप निकलती है और लीजा की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो खोपड़ी उसे इंजेक्ट करती, लीजा अपने बनाए गए निशान को देखती है। वो क्रॉस डायमंड की तरह ही दिख रहे थे, यानी कि एडम के हाथ में बने हुए निशान भी इस टनल से निकलने का रास्ता थे। अब लीजा उस खोपड़ी को रोकती है और दोबारा टनल से सारी रुकावटों को पार करके तेजाब वाली टनल तक पहुंच जाती है, जहां पहुंचकर वो उस ब्रेसलेट को बड़ी ही सावधानी से तेजाब में डाल देती है, जिससे उसका कुछ हिस्सा गल जाता है। और फिर लीजा उस ब्रेसलेट को निकालकर अपने हाथ पर देखती है, जहां कुछ डायमंड्स और क्रॉस बने हुए थे, जो वही निशान थे जो आगे का रास्ता चुनने में मदद करते हैं। अब आगे बढ़ते हुए उसे फिर से 2 टनल दिखते हैं और इस बार वो अपने हाथ पर बने निशान की मदद से सही रास्ता चुनती है। अब वो कुछ ही दूर बढ़ी थी कि तभी वो क्रिएचर फिर से लीजा का पीछा करना शुरू कर देता है। लीजा काफी फुर्ती से तेजी से रेंगते हुए ऐसे टनल में पहुंच जाती है, जिसमें हर पल ग्रेविटी बदल रही थी। लीजा जैसे तैसे इस टनल से बाहर आ जाती है, जिसके बाद उसे अपने सामने 2 टनल दिखते हैं, जिनमें से एक में वो अपना ब्रेसलेट फेंक कर खुद दूसरी टनल में चली जाती है। और ब्रेसलेट की रोशनी देखकर वो क्रिएचर दूसरी टनल में एंटर कर जाते हैं, जिसके बाद लीजा एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां की दीवारें देखकर ऐसा लग रहा था मानो लीजा किसी एलियन के पेट में हो। वही उसे अपने आसपास कुछ हलचल महसूस होती है और आगे बढ़ने पर उसे अपना ब्रेसलेट दिखाई देता है। अब इसके ठीक सामने वही क्रिएचर था जो लीजा का पीछा कर रहा था। तो लीजा जैसे ही अपना ब्रेसलेट उठाती है तो उसमें 1 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो जाता है, जिसकी आवाज सुनकर वो क्रिएचर भी जाग जाता है और वो जागते ही फिर से लीजा का पीछा करने लगता है। अब समय रहते लीजा एक सेफ कंपार्टमेंट में चली जाती है, लेकिन इस बार टनल में कोई भी आग नहीं लगती। अब वो क्रिएचर जिसका एक हाथ कटा हुआ था वो लीजा पर हमला कर देता है। इस बार टनल की दीवार भी आगे बढ़ने लगती है, जिसका सहारा लेकर लीजा उस क्रिएचर के सिर को अपने पैर से कुचल देती है। साथ में हम ये भी समझ पाते हैं कि वो क्रिएचर का एक हाथ नहीं था, इसका मतलब कि वो एडम ही था।
उसकी आग में बुरी तरह से जलने के बावजूद एलियन ने उसे जिंदा रखा था और इसीलिए वो इस तरह का जला हुआ दिख रहा था। आगे लीजा को अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है। नीना उसके सामने खड़ी थी। वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ चलने को कहती है और लीजा उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। ऐसा कहकर वो उसे गले लगा लेती है, जिस पर नीना कहती है कि लीजा हम सबको तुम पर गर्व है। बस इसके बाद लीजा कई टनल पार करके आखिरी टनल में पहुंच जाती है, जिसके बाद फिर से उसे वही खुला आसमान दिख रहा था और तभी उसके सामने तीन ग्लेड चलने लगते हैं जो कुछ सेकंड्स की देरी पर नीचे आ रहे थे। लीजा किसी तरह फुर्ती से पहले ब्लेड को पार करती जो हर 4 सेकंड में नीचे आ रहा था। इसके बाद बारी थी दूसरा ब्लेड पार करने की जो कि हर 3 सेकंड में नीचे आ रहा था, और किसी तरह लीजा इसे भी पार कर लेती है। और अब बात रही आखिरी ब्लेड की जो हर 2 सेकंड में नीचे आ रहा था, जिसे रेंग कर पार करना लगभग नामुमकिन था, लेकिन लीजा हिम्मत जुटाकर उसे भी पार कर लेती है। पर उसका पैर इसमें कट जाता है जिसके कारण वो दर्द से चिल्ला उठती है, लेकिन फाइनली उसने सारे ब्लेड्स को अब पार कर ही लिया था। और जब वो आगे बढ़कर टनल के एंड में पहुंचती है तो वो देखती है कि ये कोई खुला आसमान नहीं बल्कि एक टीवी स्क्रीन है। क्या क्या बात कर रहे हैं? इसके बाद वो यूं ही बेहोश जाती है और फिर हम लीजा की बॉडी को हवा में लेविटेट होते हुए देखते हैं। वहीं लीजा अब खुद को किसी एलियन प्लैनेट पर पाती है और उसके सामने नीना भी मौजूद थी। यहाँ लीजा का पैर बिल्कुल ही सही सलामत था, मतलब कि एलियंस ने उसे बिल्कुल ही ठीक कर दिया था। वहीं लीजा नीना से सवाल करती है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, इसके जवाब में नीना बताती है कि तुम्हें अब अपनी जिंदगी जीनी है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब देखो, हो सकता है कि तुम्हें ये फिल्म कंफ्यूजिंग लगी हो, तो इस फिल्म में ये सारा कांड एलियन का किया गया है। वो अपने प्लैनेट के लिए कुछ सेलेक्टेड ह्यूमंस को किडनैप कर रहे हैं और फिर वो उनका टेस्ट ले रहे हैं कि कौन है परफेक्ट जो उनके सिनेरियो में सर्वाइव कर सके। उनके इस टेस्ट में लीजा हार नहीं मानती और सर्वाइव करती है, जिसकी वजह से वो अब यहाँ है, वो भी पूरी तरह से रिकवर्ड और हेल्दी। वहीं एलियंस ने लीजा के एफर्ट को कंसीडर किया है और उसे मॉनिटर कर रहे थे, जिसकी वजह से नीना उसे बोलती है कि हम सबको तुम पर गर्व है, और इसलिए ही एलियन लीजा की मुलाकात नीना से करवा देते हैं। अब एक्सप्लेनेशन कैसी लगी वो कमेंट में लिखकर बताना, बाकी किसी और फिल्म की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।